जनरल टेक्निकल मुकेश अटैक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपने जो कि स्क्रीन पर गूगल एड्स आते हैं उनको कैसे स्टॉप करना है, उनको कैसे बंद करना है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो कि एड्स आते हैं, जो गूगल की तरफ से कुछ एड्स आते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन पर बार बार देखते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद डायरेक्टली एडवर्टाइज आ जाता है या कोई एड्स आ जाता है किसी के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ से कई प्रकार के आपके सामने एड्स मिल जाते हैं, ठीक है। उनको बंद करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप सिंपली डायरेक्टली सेटिंग को ओपन करें, मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसको ओपन कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से आपको गूगल पर जाना होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल, गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाता है, जो कि गूगल अकाउंट के द्वारा ही आपके गूगल एड्स आते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं एक यहाँ पर ऑप्शन स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आपको एड्स का ऑप्शन मिलता है, एड्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्टिमाइजेशन, आप देख सकते हैं इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको मैं ऑन कर दूंगा तो आपके जो स्क्रीन पर एड्स आने लगेंगे, अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर जो कि एंड्रॉयड पर बार बार एड्स आते हैं किसी के बारे में, जैसे स्विगी, जोमेटो या अमेज़न, सभी के बारे में आते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको इसको क्लोज कर देना है, इसको लॉक कर देना है, बंद कर देना है, अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद आपको इसको भी पर्सनलाइजेशन है ना, जो ऐड हैं उनको भी बंद करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसको भी बंद कर दें। तो ठीक है गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।